सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल चौहान ब्रोज और इस घंटे पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा लो मॉडल क्रेटा को हम टॉप मॉडल आज बनाने वाले हैं, टॉप से भी ऊपर बना रहे हैं, टॉप से भी ऊपर बनाने वाले हैं। ठीक है, लाइफ टाइम की वारंटी है डंपिंग। अच्छा लाइफ टाइम की रहेगी वारंटी? हाँ, वारंटी रहेगी। सीट कवर हमने एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट कवर बनाया है, इसमें जो पैडिंग करी गई है ये जो आप देख रहे हैं ना ये चीज, जी जी जी, ये हमने पूरा पैडिंग करा है इसमें। वाओ, बहुत पैडिंग और बहुत ही शानदार डिजाइन आ रहा है, डिजाइन भी बहुत स्टिचिंग आ रही है पूरी। और आपसे कहां से आए? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं यहाँ पर और काफी फेमस दुकान है इनकी और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी इन्होंने लगाया और बहुत अच्छा म्यूजिक है, मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। सर एक बार चला दीजिए। डैशबोर्ड का कलर ये रहने वाला है, ये तो ब्राउन कलर के अंदर बहुत खूबसूरत लगने वाला है लगने के बाद, कंप्लीट होने के बाद। ओडी लुक में भी आने वाली है गाड़ी। ओडी लुक बिल्कुल, लुक ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा इनका फैक्ट्री रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे सीट कवर्स तैयार हो रहे हैं, इस तरफ भी काफी सारे सीट कवर्स तैयार हो रहे हैं और जहाँ देखेंगे वहाँ पर रोल्स आपको मिलने वाले हैं। नीचे एलॉय देखेंगे तो एलॉय देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत एलॉय लगा दिए गए हैं। जितने हमारे क्रेटा तैयार हो रही है इतने मैं आपको एक बार सेल्टोस का लुक दिखा देता हूँ। सेल्टोस भी यहाँ पर आज ही आई है और इसके अंदर भी कुछ काम हुआ है। ये देखिए इंडिकेटर दोनों फ्लोटिंग है, मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, फ्लोटिंग है दोनों के अंदर और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देख सकते हैं बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। हमने इसमें रूफ लाइट लगाई है जो कि टॉप मॉडल में हमारी लग के आती है। ओके, इसको बोलते हैं सनग्लास होल्डर जी प्लस रूफ लाइट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूँ आपके साथ, आज आ चुका हूँ करोलबाग के अंदर एक ऐसे शोरूम के अंदर मैं आ चुका हूँ जहाँ पर आप अपनी कार को बिल्कुल हुलिया ही चेंज करवा सकते हैं। क्रिस्टल कार केयर के पास मैं आया हूँ, मेरे साथ यश जी हैं, निक्कू जी हैं। कैसे हैं सर? कैसे हैं सर? सर आज की वीडियो के अंदर व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले हैं? क्रेटा जी, जो एमपी से आई है जी, उसको लो मॉडल क्रेटा को हम टॉप से भी ऊपर बना रहे हैं। अच्छा लो मॉडल क्रेटा को हम टॉप मॉडल आज बनाने वाले हैं, टॉप से भी ऊपर बना रहे हैं, टॉप से भी ऊपर बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें सारा ए टू जेड सामान, जैसे अपना हेडलाइट टाइवान वाली टेल लैंप, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल, साइड ग्लास फोल्डिंग, माने हम सारे दिखाने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ चेंज होने वाला है, माने टॉप से ऊपर वो सब हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे और कितना खर्चा आएगा वो भी हम वीडियो के अंदर बताएंगे। अच्छा ये जी किया सेल्टोस भी हमारे साथ खड़ी है, सर किया सेल्टोस में क्या करवाने वाले हैं? किया सेल्टोस में हमारा इंटीरियर हो रहा है जी, इंटीरियर में डोर पैनल हो रहे हैं, डैशबोर्ड हो रहा है, स्टीयरिंग कवर हो रहा है और सीट कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कार में कोई भी काम होता है तो वो आप करवा देते हैं? सारा काम हो जाता है, ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक, ठीक है। ऑल कार, ये नहीं कि हम क्रेटा ही, अब या सेल्टोस कोई भी कार, कोई भी कार। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये सीट कवर्स की, सीट कवर्स की इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सीट कवर्स जहां पर मेरे हिसाब से सबसे सस्ते आप ही देते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी एंड सबसे सस्ते यहीं पर आपको मिलने वाले हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर आज क्या दिखाने वाले हैं। आज क्रेटा का पूरा लुक चेंज होने वाला है ए से लेकर जेड तक, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए आने वाला है। चलिए, ये हमारे साथ हुंडई की क्रेटा खड़ी है सामने और इसका पूरा का पूरा लुक चेंज होने वाला है। ये लो मॉडल है, इसका टॉप मॉडल हम करने वाले हैं और एक एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। इस वक्त काम चल रहा है अंदर और क्या क्या काम चल रहा है वो मुझे यश जी बताने वाले हैं और निक्कू जी बताने वाले हैं। अच्छा निक्कू जी, यहाँ पर क्या चल रहा है डोर पर? यहाँ डोर पे अभी हमने डंपिंग चालू कर दी है जी, जो एसटीपी का डंपिंग होने वाला है। ठीक है, जो डंपिंग हो रहा है एसटीपी कंपनी का डंपिंग हो रहा है, एसटीपी कंपनी का। ठीक है, बहुत ही अच्छी डंपिंग है। ठीक है, ठीक है, इसकी यूनिट हम देख सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी गम है, मतलब जो गम है रहेगी इसकी, गम पक्की बहुत मजबूत गम रहेगी, बहुत मजबूत गम है जी। और लाइफ टाइम की वारंटी है डंपिंग। अच्छा लाइफ टाइम की रहेगी वारंटी? वारंटी है। ठीक है, इसमें हम कंपोनेंट सेट लगाने वाले हैं जो अपना इन्फिनिटी डिफरेंस होने वाली है। इन्फिनिटी डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद डैशबोर्ड का काम चालू हो रहा है, डैशबोर्ड अभी देख सकते हैं, अभी पूरा हुलिया दिखाता हूँ गाड़ी का, तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का हुलिया रहने वाला है। आप देखेंगे अभी कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा जो चेंज हो जाएगा और आपको ये गाड़ी पहचान में भी नहीं आने वाली है। यहाँ पर डैशबोर्ड किस कलर में रहेगा सर? कलर हम दिखा देते हैं जी, एक यूनिक कलर है, एकदम यूनिक कलर रहेगा, यूनिक कलर है। ठीक है, ठीक है जी, क्या कलर रहेगा डैशबोर्ड का? ये डैशबोर्ड का कलर होने वाला, डैशबोर्ड का कलर ये रहने वाला है, ये तो ब्राउन कलर के अंदर बहुत खूबसूरत लगने वाला है लगने के बाद, कम्प्लीट होने के बाद।
और चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं दोबारा से, और क्या क्या काम पेंडिंग है वो मुझे एक बार बता दीजिए। इसमें अभी हम इसको हेडलाइट चेंज करेंगे। अच्छा, हेडलाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है, मिड इन ताइवान वाली हेडलाइट डालने वाले। ठीक है, मिड इन ताइवान। हाँ, मिड इन ताइवान। ठीक है, इसका फोक लैंप चेंज करेंगे। फोक लैंप्स लगने वाले हैं यहाँ इसमें। फोक लैंप इसका ग्रिल टॉप मॉडल वाली लगेगी। अच्छा, ग्रिल जो है वो टॉप मॉडल लगने वाला है। हाँ जी, ठीक है। उसके अलावा हम साइड ग्लास फोल्डिंग करेंगे। साइड ग्लास फोल्डिंग रहेंगे जो एसएक्स टॉप मॉडल में आता है। ठीक है, अभी फोल्डेबल नहीं है। नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा डैशबोर्ड इंटीरियर का काम पूरा होने वाला है जी। इसके बाद एसी क्लाइमेट कंट्रोल हम लगाएंगे। एसी क्लाइमेट कंट्रोल भी लगने वाला है। लगने वाला जी। इसके बाद स्टीयरिंग कंट्रोल ओरिजिनल लगाएंगे जी। वायरलेस चार्जर लगाएंगे। वायरलेस चार्जर भी लगाएंगे। हाँ, ठीक है। इसके बाद पीछे में हम क्रेटा के लिए, आप लोग अभी शायद देखे नहीं होंगे, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट वर्जन जो आया है टेल लैंप का, वो लगाने वाले हैं इसके अंदर। तो जो टेल लैंप रहेगी वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगी जी। ओडी लुक में भी आने वाली है गाड़ी। ओडी लुक बिल्कुल, लुक ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। इसका रिफ्लेक्टर लैंप हम चेंज करने वाले हैं। रिफ्लेक्टर लाइट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसके क्रोम वाले काम होगा। अच्छा, यहाँ पर क्रोम लग जाएगा। और छोटा मोटा बाइजर जो माने ए टू जेड काम, माने सब कुछ चेंज हो जाएगा। एसएक्स से भी ऊपर बनानी है मुझे इसका। ठीक है, मतलब अभी आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन क्या है, और थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कंडीशन क्या से क्या होने वाली है। और अभी आप रूफ देखेंगे तो सर यहाँ रूफ पे भी काम होने वाला है। रूफ का भी काम होने वाला है। रूफ पर क्या लगने वाला है? रूफ पे ब्लैक कलर का कपड़ा लगने वाला है जो इंटीरियर के साथ मैच करेगा। इंटीरियर के साथ ब्लैक कपड़ा लगने वाला है, साथ ही साथ स्टार लाइट्स भी लगने वाली हैं। स्टार लाइट नहीं लगेगा, ये भैया मना कर रहे हैं कि स्टार लाइट के लिए इनका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, स्टार लाइट हम बहुत लगाते हैं। मतलब स्टार लाइट्स भी आप लगवाते हैं रूफ लाइट में? हाँ जी, लगाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं अभी मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ। साथ में कोई कारपेट चेंज के अंदर कुछ काम होगा? हाँ, कारपेट का भी काम होगा, मैटिंग होगा। इसमें मैट हटा के हम फ्लोरिंग मैट डालेंगे। फ्लोरिंग मैट लगेगा। ठीक है, गाड़ी की लाइफ भी बन जाती है और कभी कारपेट खराब। और जो अभी सीट्स कवर्स हैं, ओरिजिनल सीट कवर्स हैं, वो भी चेंज होने वाले हैं। इसमें बकेट सीटें लगने वाली हैं। बकेट सीट्स लगेंगे, दिखाएंगे सबको, सब कुछ आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी जो क्रेटा के अंदर काम चल रहा है उसके अंदर ये स्पीकर लगने वाले सर। क्या मॉडल नंबर रहेगा इसका? जी, CX 6530 CX। तो आपसे सर्च भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत जो आवाज़ होने वाली है बहुत बढ़िया आवाज़ होने वाली है। तो क्या नाम है सर आपका? मनोज जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? इसमें डैशबोर्ड बन रहा है। ये डैशबोर्ड के ऊपर पेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, ये पेस्ट लगाया जा रहा है और यहाँ पर भी अलग अलग काम लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी पेस्टिंग के बाद लुक आने वाला है। ये सेल्टोस की हैं। अच्छा, एक ये सेल्टोस की हैं और ये किसका है? ये क्रेटा का है। यहाँ पर किया सल्टो से काम चल रहा है, इधर क्रिएटर काम चल रहा है। तो ये स्पीकर यहाँ पर फिट हो रहे हैं इस वक्त और ये स्पीकर लगाए जा रहे हैं। और जब कंप्लीट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको लुक दिखाऊंगा, क्या लुक आने वाला है और क्या आवाज़ आने वाली है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और अब देखते हैं थोड़ी देर बाद, आधा डैशबोर्ड का काम स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं लुक आना स्टार्ट हो चुका है। पूरी गाड़ी का जो लुक है वो आना स्टार्ट हो चुका है। पूरी कंप्लीट होने के बाद तो अलग ही लुक देने वाली है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पूरा काम चल रहा है तो आप देखेंगे तो आप पूरी की पूरी रूफ ब्लैक कर दी गई है। बहुत अच्छा लुक आने स्टार्ट हो चुका है गाड़ी का। और थोड़ी देर बाद गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा। अब मैं आपको पीछे की बैक लाइट दिखा देता हूँ। ये देखिए बैक लाइट भी चेंज हो चुकी है, बहुत शानदार लग रही है। आप नीचे एलॉय देखेंगे तो एलॉय देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत एलॉय लगा दिए गए हैं और गाड़ी का लुक बहुत शानदार आ चुका है। आधी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। पीछे से रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगा दिए गए हैं और अभी भी काम चल रहा है। अब ये भी लगने वाला है सर? ये लगेगी इसमें जी। ये उसके अपना एंडेवर में आती है जो? जी जी जी, एंडेवर टाइप से आएगी, पीछे का पूरा गेटअप आएगा, पूरा गेटअप आएगा। बाकी इसको फिटिंग होने के बाद दिखा देंगे एक बार जी। और ये अभी चल रहा है, हम बैकलाइटें चेंज करी है, अभी हमने रिफ्लेक्टर लगाए, रूफ कंप्लीट हो चुकी है हमारी ब्लैक कलर की पूरी। बाकी इंटीरियर में काम चल रहा है, डैम्पिंग हो चुकी है, स्पीकर लग चुके हैं जी। अभी हेडलाइट भी लगेंगे इसमें। अभी हेडलाइट्स भी लगेंगी और हेड लैंप्स, नीचे फॉग लैंप्स भी लगेंगे। फॉग लैंप्स भी लगेंगे। अभी फ्रंट एंड राउंड हुआ नहीं है, पीछे से मतलब गाड़ी एक साइड से कंप्लीट हो रही है, एक साइड से कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जितने हमारे क्रेटा तैयार हो रही है इतने मैं आपको एक बार सेल्टोस का लुक दिखा देता हूँ। सेल्टोस भी यहाँ पर आज ही आई है और इसके अंदर भी कुछ काम हुआ है जिसके बारे में मुझे सर बताएंगे। इसमें हमने ये लेदर रैप किया है, स्टिच देख सकते हैं आप जी। जी, ये स्टिचिंग देखिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होता है। ये स्टिचिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको स्टिचिंग मिल जाएगी जो टॉप मॉडल में आता है हमारा जी। ठीक है, अब प्लस हमने इसमें किया है ये इंटीरियर में डोर पैनल की है। अच्छा, डोर पैनल पूरा डुअल स्टिच में किया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल जेन्युइन फिनिशिंग के साथ, बहुत फिनिशिंग के साथ बिल्कुल जो टॉप मॉडल में आता है हमारा जी। ठीक है, अंदर की बात हम करेंगे, अंदर हमने ये किया है डैशबोर्ड का पीसी है जी, ये भी लेदर रैप किया गया है, ये भी पूरा डुअल स्टिच में रहने वाला है अपना जी।
और ऐसे ही सामने देख सकते हैं पूरा डुअल स्टिच में, ऐसी वो पीछे देख सकते हैं डुअल स्टिच में। इसमें हमने रेड स्टिच इसलिए दी है कि इसके सीट कवर में भी रेड स्टिच है, पूरा इंटीरियर मैचिंग कर रहा है। सीट्स रहेंगी वो उसमें भी रेड स्टिच रहेंगे। सीट दिखाते हैं अब मैं आपको इसकी सीट्स दिखाता हूँ, किया सेल्टोस की, उसकी सीट्स अंदर तैयार हो चुकी हैं, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये है किया सेल्टोस की सीट्स जो बिल्कुल मैच टू मैच दिए गए हैं, रेड कलर की स्ट्रिप्स लगाई गई हैं और बहुत शानदार लग रही हैं। अब पहले ये और ब्लैक थी, हाँ ये पहले तो ये वाला बैटन था ना, ये कंपनी का बैटन, पहले ये वाला कंपनी का बैटन नीचे का चढ़ चुका है, नीचे का कंप्लीट हो चुका है। इसमें वेंटिलेशन सीट लगाई है, इसमें एयर अब्जॉर्ब होगी, मतलब इसमें गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं आएगा। जी जी जी, बहुत सॉफ्ट भी लगेगी, देख सकते हैं आप बिल्कुल प्रॉपर आएगी इसमें। जी तो गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर फॉग लैंप्स हैं लगाए जा चुके हैं और हेडलाइट्स अभी चेंज होने बाकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रोम का कुछ वर्क किया गया है, हैंडल्स देखेंगे तो क्रोम लगाए गए हैं यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर भी मिरर के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्रोम का कुछ काम मिल जाएगा। तो गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ऑलमोस्ट आप कितना टाइम लगने वाला है सर? डेढ़ घंटा का और काम बाकी है। इसके बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ किस तरीके से गाड़ी दिखने वाली है। ये लाइट्स अभी लगने वाली हैं, ये क्रेटा हमारे सामने खड़ी है, इसके अंदर ये लाइट्स अब फिट होने वाली हैं। और ये लाइट्स लगने में कितना टाइम लगेगा? इसमें आधा घंटा लग जाएगा इसके अंदर। बहुत खूबसूरत लग रही है, देख सकते हैं। तो अब हमारी क्रेटा हो चुकी है रेडी। अब मेरे साथ यश जी हैं, यश जी बताइए क्या क्या काम हुआ है इसके अंदर? इसमें हम फ्रंट में आ जाएंगे जी, फ्रंट में हमने सबसे पहले तो ग्रिल लगाई है, ये ग्रिल लगी है, ओरिजिनल पार्ट लगाए हैं पूरे जी, ये लगाए हैं। नेक्स्ट फीचर आ जाएंगे ये फॉग लैंप जो लगाई हमने, इसे जला के दिखा दिए एक बार। एक फॉग लैंप ऑन करना, ये भी DRL ऑन हुई है जी, फॉग लैंप, ये हमारी फॉग लाइट ऑन हो गई है। इसके अंदर हमने HID डाली है जी, देख सकते हैं आप इसमें। प्लस हमने इसमें हेडलाइटें चेंज करी है, जो ओरिजिनल ताइवान की रेडी है पूरी, ये पूरी हेडलाइटें चेंज करी है, पूरी हेडलाइट ही चेंज की गई है ताइवान की जी, ताइवान मेड इन ताइवान है ये, जो बेस्ट माना जाता है। ऑन करो हेडलाइट, हेडलाइट ऑन करो, इंडिकेटर दे ये देखिए, इंडिकेटर दोनों फ्लोटिंग है, मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, फ्लोटिंग है दोनों के अंदर और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पूरी की पूरी गाड़ी दिखा रहा हूं आपको, क्रेटा जिसका लुक पूरा का पूरा चेंज हो चुका है इस वक्त। अभी हमारा जो है HID ऑन हुई है जी, HID हल्के हल्के गर्म होते होते तेज होगी जी, इसका फोकस बहुत ही शानदार आएगा, ऑफ रोड ड्राइविंग में बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड चीज की बात है, हम ये हमने इसमें ऑटो फोल्डिंग लगाए हैं, ऑटो फोल्डिंग है जी, बेस मॉडल आता है उसमें सादा वाले मेरा रहा, हाँ बेस मॉडल में नहीं आता, नहीं आता जी, इसमें टॉप मॉडल वाला, ये टॉप मॉडल वाला साइड जेन्युइन होंडे का लगाया है जी, इसका स्विच यहाँ लगता है। ये हमने जो जेन्युइन होंडे का आता है ये E+ में लगाया हमने, पूरा प्रॉपर जो जेन्युइन तरीके से आता है, सेम कंपनी वाला है, एज इट इज कंपनी वाला है। ये हमारा ऑटोमेटिक फोल्ड हो गए जी, ठीक है जी, और ये हमारे दोबारा से खुल गए जी। बाकी हम नेक्स्ट चाहेंगे, ये हमने क्रोम लगाई इसमें, लोअर यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोम लगाया गया है ये जी, बहुत खूबसूरत है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ तक क्रोम लगाया गया है। ये डोर वाइजर, ये डोर वाइजर भी लगाए गए हैं जी, ये हमने लगाई छत पर रूफ रेल जो कि टॉप मॉडल में आती है कंपनी, ये कम टॉप मॉडल में ही आएगी, टॉप मॉडल में जी बेस में नहीं आती है। ये हमने क्रोम हैंडल लगाए हैं, ये क्रोम हैंडल्स लगे हैं इसके अंदर ठीक है। हमने इसमें साइड बीडिंग लगाई है जो कि अलॉय के साथ बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार एलॉय भी दिखा देता हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं एलॉय, अंदर पेंट कराया है जी। पीछे आ जाएंगे हम, पीछे हमने बैकलाइटें चेंज करी हैं इसकी जी, जो और बैकलाइटें के साथ ये हमने लगाया है इसमें जी, ये लगाया है हमने इसमें बम्पर जी, ये बम्पर पट्टा लगाया हमने इसमें जी, ये नीचे देख सकते हैं जी, पूरा दिखा दो, नीचे हमने रिफ्लेक्टर लगाया है इसमें, ये रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। अब इसका पूरा ओवरव्यू दिखाओ, मैं आपको एक बार पूरा का पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, इस तरीके से पूरा का पूरा ओवरव्यू रहेगा। और ये देख सकते हैं बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, वाओ अमेजिंग, बहुत शानदार लग रही है, आप देख सकते हैं। ये हमारी बैकलाइटें जल रही है जी, ये ब्रेक पे आएगा जो लाइट है ये, अच्छा ये जो लाइट रहेगी वो ब्रेक पर आने वाली है, ब्रेक पे रेड जलेगी और वैसे पार्किंग पे वाइट जलेगी, पार्किंग पे वाइट जलेगी। रिफ्लेक्टर भाई जी, ये पूरा एंडेवर वाला लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर बहुत खूबसूरत है और पूरा का पूरा एंडेवर जो होती है उसका लुक आ रहा है पूरा का पूरा, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जी, ठीक है। आगे की तरफ थोड़ा आते हैं, ये हमने इसमें शार्प फिन एंटीना लगाया जो कि बेस मॉडल में लग के नहीं आता, टॉप मॉडल में लग के आता, टॉप मॉडल में ही आता है, टॉप मॉडल में आता है ठीक है ठीक है। इस साइड हमने सेम वो साइड जो कवर कराई थी वो है जी जी। अब बात चल अंदर की तरफ चलते हैं अपना, आप अंदर देख लेते हैं एक बार इंटीरियर कैसा होने वाला है
अब आपको अंदर से दिखाया तो इंटीरियर दिखाया तो सबसे पहले वाओ, सबसे पहले हमने ये वेलकम प्लेट लगाई है जी, क्योंकि बहुत ही सुंदर लुक दे रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत ठीक है। और ये स्क्रैच प्रूफ, स्क्रैच के लिए भी लगती है ताकि हमारा गाड़ी का पेंट खराब ना हो। अच्छा, स्क्रैच प्रूफ भी रहेगा ये, ये सेफ्टी पर्पस से भी है, लुक पर्पस से भी है। सेकंड चीज और अंदर आते हैं, इसमें हमने मैटिंग डाली है, ये मैटिंग डाली गई है, ये 5D मैट है जी। और नीचे हमने फ्लोरिंग भी करी है। अच्छा, फ्लोरिंग भी की गई है, पूरा लेदराइट किया गया है जी। अब आते हैं सीट कवर की तरफ जी। सीट कवर हमने एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट कवर बनाया है, इसमें जो पैडिंग करी गई है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये चीज जी जी जी, ये हमने पूरा पैडिंग कराया है। वाओ, बहुत पैडिंग और बहुत ही शानदार डिजाइन आ रहा है, डिजाइन भी स्टिचिंग आ रही है पूरी। और कलर एक जो टैन कलर कॉमन चल रहा है वो नहीं है, ये टैन से थोड़ा डार्क कलर है, टैन स्टैंडर्ड में आ रहा है, जो स्टैंडर्ड में आ रहा है आजकल सब करा रहे हैं ना टैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड कलर है, ये एक स्टैंडर्ड कलर है। अब हम आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ जी। इसका डैशबोर्ड पर भी देखेंगे तो डैशबोर्ड पर भी सेम एज इट इज कलर दिया गया है, सेम कलर है पूरा आपका डैशबोर्ड, पूरा इंटीरियर ये किया गया है। इसमें स्टीयरिंग कवर किया गया है जी, इसमें हमारे ये पिलर किए गए हैं जी, ठीक है। ये स्टीयरिंग कवर पूरा लेदर रैप किया गया है, बहुत ये हमने इसमें पिलर करे हैं जी, ये हमने इसमें डोर पैनल करे हैं, डोर पैनल देखो पूरा डबल स्टिचिंग में करा है जी। मार्केट में डबल स्टिचिंग में नहीं करते हैं, और मेन चीज जो है ये पूरा डबल स्टिचिंग में किया जाता है जी। और सबसे मेन चीज होती है क्या है ना, इसमें इसमें ये फिनिशिंग होती है सबसे मेन चीज, यहाँ पे कॉर्नर पे फिनिशिंग चेक करिए, ये चीज है, मतलब बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जी, ये पूरा परफेक्ट तरीके से बिल्कुल। अब हम सेकंड चीज से एकदम ओरिजिनल लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, इसमें हमने स्टीयरिंग कंट्रोल लगाए हैं जी, ये जेन्युइन हुंडई के स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं जिसमें की क्रूज कंट्रोल का बटन नहीं आता है। ओके, मार्केट में आते हैं क्रूज कंट्रोल वाले भी आते हैं जी, ये जेन्युइन हुंडई के हैं जिसमें केवल सारे बटन वर्क करेंगे, क्रूज कंट्रोल वाले में क्रूज कंट्रोल का नहीं करता है वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं, हमने इसमें रूफ लाइट लगाई है जो कि टॉप मॉडल में हमारी लग के आती है। ओके, इसको बोलते हैं सनग्लास होल्डर जी प्लस रूफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट चीज तरफ आते हैं, हमने इसमें ये गियर नॉब लगाया है जो कि टॉप मॉडल में लग के आता है। अच्छा, सादा वाले में आता है ये वाला लग के, ये हमने इसमें निकाला है, ये जो सादा वाला होता है ये प्लस में लग के आता है, ये SX में लग के आता है, ये SX में लग के आता है, ये हमने लगाया है अभी इसमें, ठीक है जी। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं, हमने इसकी रूफ ब्लैक करी है अंदर से पूरी, देख सकते हैं पूरा गजब का लुक आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं पूरी रूफ है जो ब्लैक, पूरी ब्लैक है जी, ठीक है। सबसे मेन चीज होती है, सबसे मेन चीज होती है इंटीरियर में ये फिनिशिंग, ये आप काम आप कहीं भी करा सकते हैं मगर ये फिनिशिंग हर बंदा नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ये कॉर्नर चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक की जाती है फिनिशिंग, आप देख सकते हैं फिनिशिंग एकदम बहुत शानदार की बाहर से हुआ है काम जी, ये देख सकते हैं फिनिशिंग, मैं एक बार फिनिशिंग आपको पास से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से फिनिशिंग दी गई है, बहुत खूबसूरत। ये पूरा आपका डोर पैनल आ जाएगा डबल स्टिचिंग में। पीछे की तरफ आ चुके हैं हम जी, पीछे हमने इसमें सीट कवर तो आपने देख ही है जी, आगे लगाए जो पीछे पूरा डबल स्टिचिंग में काम हुआ है हमारा जी, ठीक है। और ये वेलकम प्लेट पीछे भी आती है, वेलकम प्लेट पीछे भी आएंगी। हाँ, अब ये पीछे से रूफ का देख सकते हैं ओवरव्यू, पीछे से जो ब्लैक रूफ है जी। ये लास्ट में जो पिलर होते हैं वो भी हमने लेदर रैप किए हैं। अच्छा, जो पिलर रहे हैं वो भी लेदर रैप किए हैं, लेदर रैप। एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो है ना मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, जो मार्केट में ये होता है कि यहाँ से धागा बांध दिया जाता है जी जी जी। हम पूरा पिठल्ला का साथ लगाते हैं सीट कवर, तो आपकी कंपनी में कहीं पे क्लिप ना लगे जी, आपकी सीटें खराब ना हो, इसके लिए पूरी कवरिंग की जाती है, मतलब पीछे से कवर नहीं करते हैं आमतौर पर, लेकिन आपने पीछे से भी कवर किया, पूरा पीछे से कवर करते हैं जी, जैसे कंपनी से आता है, ठीक है, जैसे कंपनी से आता है एज इट इज। अब म्यूजिक सिस्टम की तरफ चलते हैं, तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी इन्होंने लगाया, और बहुत अच्छा म्यूजिक है, मैं आपको सुनवाने वाला हूँ, सर एक बार चला दीजिए। अच्छा सर, क्या क्या स्टोर किया गया है इसके अंदर? इसमें मेगा ऑडियो का जो कि जेन्युइन हुंडई से लग के आता है, हुंडई से अगर आप एंड्रॉइड सिस्टम लेते हैं तो वो मेगा ऑडियो कंपनी का लगा के देगी जी। इसमें DSP सेट लगाया है मेगा ऑडियो का जी। इसमें हमने रेफरेंस के कंपोनेंट स्पीकर डाले हैं, ठीक है, चारों डोर डैम्पिंग किए गए हैं हमारे, और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया है, ये जो स्टीयरिंग कंट्रोल अटैचमेंट के लिए जेन्युइन हुंडई वाला जी। इसमें जेन्युइन हुंडई की रूफ लाइट लगाई है जिसमें माइक का ऑप्शन आता है। अच्छा, माइक का ऑप्शन भी आता है, नॉर्मल वाली क्या है ना, सस्ती वाली में माइक का ऑप्शन नहीं होगा जी, इसमें माइक का ऑप्शन आता है जनरल। बाकी आपने आवाज तो सुनी ली, बिल्कुल बिल्कुल, इंप्लाइजर भी डाले हैं इसमें, एक इन्फिनिटी की बेस ट्यूब भी लगाई है इसमें जी, वो पीछे आपको दिखा देते हैं, चल एक बार बेस ट्यूब भी आपको दिखाता हूँ, इन्फिनिटी की लगाई है, इन्फिनिटी की बेस ट्यूब लगाई है इसमें, और पाइनियर का 4-channel एम्प डाला गया है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बेस ट्यूब दिखाता हूँ पीछे से, ये
इन्फिनिटी की रहने वाली है हमारी जी, और इसमें हमने डिग्गी मैट भी लगाया है, ये पूरा ये मैट भी लगाया गया वाला मैट लगाया है, कितनी फिनिशिंग आ रही है डिग्गी, बहुत शानदार लग रही है, बहुत खूबसूरत। तो अब मैं इस गाड़ी का आपको लाइट का फोकस दिखाने वाला हूँ कि इसकी लाइट का फोकस कैसा है। भैया चला दें लाइट एक बार, ये देखिए वाह, मतलब गाड़ी की लाइटें भी ऐसी लगाई है कि जो रात में दिन कर दे। और इसका मैं आपको फोकस दिखाता हूँ, देखो वाह सुपर्ब, काफ़ी दूर तक इसका फोकस दिखाई दे रहा है लाइट का, सुपर्ब देख सकते हैं। तो जो अभी मैंने क्रेटा दिखाई है उनके ओनर मेरे साथ हैं, पूरी फिनिश हो चुकी है गाड़ी और देखते हैं उनका क्या रिव्यू रहता है। सबसे पहले सर क्या नाम होगा आपका? प्रदीप सिंह। आपका? राजवीर सिंह। कहाँ से आए हैं सर आप? MP। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइए कैसा लगा यहाँ का काम? बहुत सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग बिल्कुल पूरा, मतलब जो भी आपने करवाना चाहा इनसे सब कुछ आपके मन मुताबिक, छोटी छोटी चीज मन मुताबिक, छोटी छोटी बिल्कुल सफाई से काम किया, सफाई से काम किया है, पैसा लगाया, टाइम दिया हम लोगों ने, इन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये रिव्यू था। और आपसे कहाँ से आए? MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं यहाँ पर, और काफी फेमस दुकान है इनकी, और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। जी सर, मध्य प्रदेश से आए थे, इसी तरीके से काफी कस्टमर्स आते हैं, आप भी विजिट कर सकते हैं, फुल एड्रेस मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मैंने डाल रखी है, कोई भी आपका सवाल होगा तो ये क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी चलता हूँ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।